बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं द्वारा रैलियों का दौर चल रहा है। मुजफ्फरपुर में भी नगर विकास व आवास मंत्री, शाहनगर विधायक और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार शर्मा भी सुबह से देर रात तक अपने समर्थकों के संग चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं और दिन भर में जनसंवाद के दौरान जनसंपर्क कर रहे हैं। आज शुक्रवार को भी वे ब्रह्मपुरा समेत कई इलाकों में जनसंवाद किया और शहर के विकास में योगदान देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक बार फिर से विकासशील एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में ही एनडीए की लहर चल रही है, सभी लोग चाहते हैं कि विकास करने वाली सरकार पुनः सत्ता में आए, जिसके अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार हैं। उनके कुशल नेतृत्व में ही बिहार का विकास संभव है और किसी भी प्रकार बिहार में विकास अवरुद्ध न हो, इसके लिए एनडीए की सरकार को दोबारा सत्ता में आना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे परिवारवाद से घिरे हैं, घोटालों का अभियोग चल रहा है और वे जेल में बंद है। बिहार की जनता ऐसे लोगों के हाथों में कभी भी सत्ता नहीं सौंपेगी। बिहार में एनडीए उम्मीदवारों को अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। जन समर्थन एनडीए के प्रत्याशी को मिल रहा है। मैं मुजफ्फरपुर के अलावा आज मोतिहारी के कई एक विधानसभा में हम वहाँ भी भ्रमण किए हैं, मीटिंग किए हैं। पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है और वह मुजफ्फरपुर में भी आज हम लोग लक्ष्मी चौक के बगल में ब्रजबिहारी लैन गली में जो बैठक हो रही है उसमें महिला और पुरुष सभी मोहल्लेवासी हैं और सभी लोग चाहते हैं कि जो विकास करने वाली सरकार है एनडीए है, जिसके अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है और बिहार का विकास किसी प्रकार से अवरुद्ध न हो, इसलिए एनडीए सरकार ही दोबारा आए, इसके लिए जनसंवाद में भी यही बात की सराहना हो रही है। और जो विपक्षी दल है वो दल के पास न कोई मुद्दा है, परिवारवाद से घिरा हुआ है, घोटाले का उन पर अभियोग और वो जेल में बंद हैं वैसे लोग, इस तरह के लोगों को पुनः वो बैठाने गद्दी पर बैठाने का निर्णय जनसंवाद में लोग कहीं से नहीं ले रहे हैं, इसलिए एनडीए की सरकार काफ़ी बहुमत से बनेगी और मुजफ्फरपुर से भी जो एनडीए के प्रत्याशी है उनको। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।